गुड आफ्टरनून, दिस इज योर साहिल भाई। आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रजा दिल की हिली म्यूजर्स में तय दिल से आपका स्वागत है। दोपहर का टाइम है 28 में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 50 डिग्री क्रॉस हो चुका है और आज मैं ऑफिशियल कोलैबोरेशन अनाउंस करने वाला हूँ उस नामचीन नाम के साथ जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। और वो जो कोलैबोरेशन है वो हमारी किसके साथ है इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके साथ हमारे साथ एक स्पेशल बंदा जो है वो जुड़ रहा है, जो इस काम में हमारी मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बैनर्स लग रहे हैं पूरे शहर में। लोगों से इंक्वायरी आनी शुरू हो चुकी हैं कि आप लोग अकेले जा रहे हो, कैसे जा रहे हो या वट एवर। मैं आपको उस बंदे से मिलाने वाला हूँ अब। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र जी, आज के हमारे स्पेशल बंदे, खालसा साहब के बंदे। और ये जो काम कर रहे हैं, हमारी मदद करने वाले हैं, ये बैनर्स पूरे शहर में छपने वाले हैं और एडवर्टीजमेंट होने वाली है। और जो कोलैबोरेशन है वो मैं अब अनाउंस करने वाला हूं कि किसके साथ है। तो ये जो है अपना काम तब तक कर रहे हैं, मैं आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो स्पेशल नेम और उसकी डिटेल क्या है। और वो ये है कि मनाली से 90 किलोमीटर दूर जिस्पा कैंपिंग साइट पर हमारे प्रिय मित्रगण एक्स मिलिट्री ऑफिसर जो कि रिटायर्ड हैं अब, सोनू जी, नामगेल दोरजी, उनका ये कैंप है जिसका नाम है सिरामणि रिवर कैंप। और ये इतना पॉपुलर है कि ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया से बल्कि साउथ इंडिया से भी लोग काफ़ी आते हैं, बड़े बड़े बाइकर्स आते हैं। हाल ही में यहाँ एक्सप्लोर द अनसीन वाले आए थे, काउंटिंग माइल्स वाले आए थे। और हमारी जो ये ऑफिशियल कोलैबोरेशन इस ब्रांड के साथ हुई है उसका हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं हमारे सोनू जी को। और हमारी जो बाइक लास्ट में रह गई थी थोड़ा बहुत काम, उसका भी जल्दी पूरा होने वाला है और मैं आपको दिखाता हूं कि उसका जो जितना काम हुआ था वो यहां अभी थोड़ी रेस्ट मार रही है। सो दिस वन, ये टॉप केस जो है वो लग चुका है, इसका जो विंडशील्ड है वो लग चुकी है, साइलेंसर वगैरह इसके फिट हो चुके हैं। अभी जो इसका काम है वो ये है कि एक तो इस पर टैंक बैग लगने वाला है, एक इसमें लगेज बैग लगने वाला है, एक इसमें बॉटल होल्डर लगने वाला है और पीछे फ्यूल टैंक लगने वाले हैं जिसमें कि हम अपने फ्यूल को कैरी करेंगे। और ये काम जो है ये जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको बाइक की मेंटेनेंस टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ और आप अपने बाइक को किस तरह तैयार करें ट्रैवल करने से पहले, वो सब हम कवर करेंगे। और भी आपको सिरामणि रिवर कैंप जिस्पा में हमारे बैनर सीखने वाले हैं, हो सकता है मनाली में भी दिखें और काफी मजा आने वाला है आने वाली हमारी इस पेट्रोटिक राइड में। और सोनू जी से भी हम मिलेंगे, उनकी जिप्सी भी तैयार हो रही है हमारे पास ही शहर डबवाली से, जिसे कि हो सकता है कि मैं साथ में लेके जाऊं अपने बाइक के साथ। और अगर उसने पहले दी, अगर नहीं दी तो उसकी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। और ट्रैवलर्स जो हैं वो काफी टाइम से राइड कर रहे हैं, हमने जो 1 जून का टाइम चूज किया है वो अप्रोप्रिएट वेदर को देखते हुए और आइस और रेनफॉल की कंडीशन को देखते हुए चूज किया है। हमारे सोनू जी हैं, ऑनर हैं सिरामणि रिवर कैंप के, वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, जो रास्ते में लोग चलते हैं, ट्रैवलर्स हैं, राइडर्स हैं, उनकी काफी मदद करते हैं, मेरी काफी उन्होंने मदद किया। मैं उनसे 3-4 साल पहले मिला था और आज काफी रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो चुके हैं और काफी उनका नाम पॉपुलर है, कैंपिंग साइट पॉपुलर है पूरी इंडिया में। और जो बंदा वहां जाकर आता है वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता और दूसरी बार जरूर विजिट करता है। और इसका एक जो पॉजिटिव स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है अटल टनल को बनाकर, क्योंकि उसके थ्रू अब हर बंदा लगभग 95% जो है अटल टनल को क्रॉस कर जिसपा पहुंच रहा है, टूरिज्म बढ़ा है, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि वहां की जो डेवलपमेंट है वो वहां की लाइफ्स की कॉस्ट पर ना हो, अनड्यू माउंटेंस की कटिंग ना हो, जितने हाईवेज जितने रास्ते रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरी हैं सिर्फ उतना काम हो। और ये मेरी वॉइस नहीं, ये उनकी भी वॉइस है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार सियाचिन की राइड की थी तो मैंने वहां के लोगों के व्यूज को जाना था, समझा था। और इस बार भी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो हम कश्मीर में अपनी राइड जहां से शुरू करेंगे और आते टाइम जो है वो हम मनाली ले से होते हुए आएंगे। अभी फिलहाल ये प्लान है, बाकी ये प्लान्स चेंज भी हो जाते हैं क्योंकि राइड में अनप्लान्ड थिंग्स काफ़ी होती हैं एज कम्पेयर टू प्लान थिंग्स। तो दिन कैसे बीत रहे हैं बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा क्योंकि 3-4 दिन रह गए हैं 1 जून की राइड में। और ये हमारे भूपेंद्र जी कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप लोगों से। हाँ जी भूपेंद्र जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे साडे चैनल वास्ते? थोड़े चैनल वास्ते ही कहना चाहूंगा जी, मैं तां वध तों वध चैनल देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जेडे जुड़े हुए हो जुड़े रहन, जुड़े रहन ते होर जुड़न, होर जुड़न। ठीक है, तुसी देखदे हो वीडियो नहीं देखदे? हां जी देखदे हां। देखने के जी लग रही है? बढ़िया, वधिया लग रही है। चलो ठीक है जी, आ काम असी जल्दी तो पूरा कर रहे हैं, जल्दी ही बैनर लग जाएंगे। आने वाले टाइम के अंदर असी जो है बाइक मेंटेनेंस से रिलेटेड ते
बाइक की टिप्स ट्रिक्स तो रिलेटिड तो अपने जी फिटिंग बाकी रह गई सी वो पूरी करांगे। पंजाबी आ गया, हिंदी पे आता हूँ फिर से। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद हमारा 31 मई को लाइव स्ट्रीम होगा, जिसमें कि हम अपनी पैकिंग करेंगे, घर वालों के व्यूज जानेंगे हमारी राइड को लेकर, क्योंकि 1 जून को हम अपनी राइड को शुरू कर रहे हैं। सो स्टे रेलिवेंट फॉर नेचर, फॉलो दी होली ग्रेस, सेव दी ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट द फील्ड्स, जॉय ऑफ नथिंग। हर काम देश के नाम, हर राइड जिंदगी के नाम, इसी जज्बे, इसी पैशन, इसी करेज के साथ हम वेट कर रहे हैं अपनी राइड को शुरू करने के लिए। दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिली म्यूजर्स। जय हिंद।